जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली महला पंजवा। रैन दिनस जपो हर नाओ। आगे दर गह पावो थाओ। सदा आनंद ना होवी सोग। कबहू ना व्यापै हो मैं रोग। रैन दिनस जपो हर नाओ। आगे दर गए पावो थाओ। सदा आनंद ना होवी सोग। कबहू ना व्यापै हो मैं रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी। बिसमन बिसम पए बिसमादा। परम गत पावे है हर सिमर प्राणी। रहाओ गन मिन देखो ब्रह्म विचार। नाम बिना को सके ना तार। सगल उपावना चले संग। पवजल तरिये प्रभ के रंग। देही तोए ना उतरे मैल। हो मैं व्यापे दुबदा फैल। हर हर औखद जो जन खाए। ता का रोग सगल मिट जाए। कर कृपा पार ब्रह्म दयाल। मन ते कबहू ना विसर गोपाल। तेरे दास की होवा तूर। नानक की प्रभ सरदा पूर। कर कृपा पार ब्रह्म दयाल। मन ते कबहू ना विसर गोपाल। तेरे दास की होवा तूर।
नानक की प्रभ सरदा पूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो कि आप जी ने अज दे ए पावन अमृतमई बचन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने, धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दे दर सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तों अमृत वेले सोहणे सिंघासण ते सुभाएमान प्रकाशवान हो के पातशाह जी ने ये अमृतमई बचना दी जो दात समुची मानुख जाति दे अते संसार दी भलाई ली जो पातशाह जी ने मुखवाक बख्शिश कीते हन, सो आप समूह साध संगत ने बड़े प्यार अते सत्कार दे नाल इन्हां पावन बचना नू सरवण करके अपने जीवन सफल कीते हन ते आनंद दी प्राप्ति कीती है। सो आओ साध संगत जो आपां सारे ही धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दे चरणा कमलां दा ओट आसरा लैना है ते अरदास बेनती करनी कि पातशाह जी आप जी कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो, साडे ते भी अपनी मेहर दी नदर करो तां कि साडा भी जीवन दे विच टिकाव बन सके, साडे जीवन दे विच भी नाम बाणी नाल प्यार बन सके, साडे हिरदे रूपी घर दे विच आप जी दी बाणी टिक सके। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। गुरु पातशाह जी फरमान करते ने भाई ये हकीकत है कि जेड़ा हरी परमात्मा दा नाम मनुख सिमरदा है, जो भी प्राणी परमात्मा दे नाम दी आराधना करता है, हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, उस दे सारे संसारिक दुख खत्म हो जाते हैं। गुरसेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। लेकिन हरी दा नाम प्राप्त ते सानू गुरु दे दर तो होना है, गुरु दी संगत विच आया सानू ए सबक प्राप्त होना है कि असी परमात्मा दे नाम नाल सांझ किवें करनी है, परमात्मा दे नाम नाल सांझ अपनी किवें बनाउणी है, परमात्मा दे नाम नू हिरदे रूपी घर विच किवें टिकाउणा है। ते सानू बाहरों पता नहीं लगना, इस दी जुगती ते गुरु दे कोलों ही प्राप्त होनी है। ते असी गुरु पातशाह जी दे चरणा विच आ के इहो अरदास इहो बेनती झोली अड के करनी कि पातशाह जी कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गते ही। हे मेरे मालक, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मेरे ते बख्शिश कर, मेरे ते रहमत कर, कृपा करो दीन के दाते। उस दीना दे दयाल परमात्मा अगे असी अरदास करनी है, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, हे मेरे मालक कृपा करो मेरे निमाणी जी जिंद ते आप जी दे मेहर दी नदर कर दवोगे ते मेरे अंदर आप जी दे गुण टिक सकणगे। माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत, यही इस मट्टी नू धोण नाल कुछ प्राप्त नहीं होना, इस मट्टी ने एक ना एक दिन मिट्टी विच ही मिल जाना है। ये मिट्टी है शरीर ते इस शरीर ने मिट्टी विच ही मिल जाना है, लेकिन तेरी जेड़ी जोत है ना ये परमात्मा विच लीन होनी है। लेकिन ये ता हो सकता है जदों तू सचमुच ही परमात्मा दे नाम दा सिमरन करेगा, उस मालक ने जिस करके तैनू संसार विच भेजिया है।
उस मालक दे नाम दी आराधना करेगा, स्वास स्वास सफला करेगा, तो फिर तेरी ये जोत भी उस मालक दी जोत विच ही लीन हो जाएगी। सो आओ सारे ही आपां मन बिरतियां नूं एकागर कर दिया हो, सुरत नूं सतगुर पातशाह जी दे चरणा विच टिका के हाथ जोड़ के अरदास बेनती करिए। गुरु पातशाह जी साड़ी अरदास बेनती नूं अपने चरणा विच प्रवान कर लैन, ते एक बारी सारी ही रसना नूं करो जी पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। साध संग जो अज दे ए पावन अमृतमई बचन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन अंग 893 ते सुभायमान हन जी। राम कली महला पंजवा, राग राम कली विच धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन मुखार बिंतों इन्हां पावन बचना नूं उचारण करदिया होया सानू संबोधित कर रहे हैं जी। रैण दे नस जपो हर नाऊं, आगे दरगे पावो थाऊं, सदा आनंद ना होवी सोग, कबहू ना व्यापे हो मैं रोग। पातशाह जी फरमान कर दें, रैन देनस जपो हर नाऊ, आगे दरगे पावो थाऊ, सदा आनंद ना होवी सोग, कबहू ना व्यापे हो मैं रोग। हे प्रभु कृपा कर, मैं दिन रात हरि परमात्मा दे नाम दा जाप करदा रहा, ते इस तरह परलोक विच तेरी हजूरी विच मैनू थां उस तुर दरगाह दे विच मैनू थां प्राप्त हो सकदा है। लेकिन ये किवें हो सकदा है? गुरु पातशाह जी प्रमाण करदे ने, भाई जदों स्वास स्वास नूं तू सुबल करेगा, रहन दिनस जपो हर नाऊ, ते अगली तुक गुरु पातशाह जी फरमान करके सानू समझा रहे ने, भाई आगे दरगे पावो थाओ, भाव तेनू आदर सम्मान प्राप्त होएगा जदों तू अपने संसार विच आके ये स्वास स्वास सफल करेगा, उदों तू परमात्मा दी हजूरी विच बैठन योग हो सकदा है। जेड़ा मनुख नाम जपदा है उसनू सदा आनंद बनिया रहिंदा है, जेड़े जीव हरी परमात्मा दे नाम दा स्वास स्वास सिमरन करदे हन, दिन रात परमात्मा दा नाम सिमरदे हन, ते उस दा आनंद हमेशा ही बनिया रहिंदा है। कदे उसनू जीव नूं चिंता नहीं व्यापदी, जेड़ा जीव परमात्मा दा नाम सिमरदा है, गुरु दे दर ते आ के साध संगत करदा है, उस नूं कदे चिंता नहीं व्यापदी, अते जेड़ा होमे दा रोग है ना उस नूं कदे फड़ नहीं सकदा, कदे लग नहीं सकदा, उहदे उत्ते अपना जोर होमे नहीं पा सकदी। जेड़े जीव गुरु पातशाह जी फरमान करके सानूं समझा रहे ने, भाई जिहड़े परमात्मा दे नाम दा आनंद माणदे हन, ओह स्वास स्वास परमात्मा दे लेखे ला दिंदे हन, ते ओह सदाई उस आनंद खेड़े विच खेड़दे रहिंदे हन जिस दे विच ओह हमेशा ही मगन रहिंदे हन, ओह है परमात्मा दा नाम। इहो जिहे जीवां नूं कदे भी कबहू ना व्यापै होमै रोग, कदे चिंता कदे होमे दा रोग उना दे नेड़े नहीं आउंदा। खोजो संतो हार ब्रह्म ज्ञानी, बिसमन बिसम भए बिसमादा, परम गत
पावै हर सिमर प्राणी। इस पावन मुखवाग दियां ए राहो दियां बंद दियां तुकां हन, परमात्मा नाल डूंगी सांझ रखण वाले हे संत जनों सदा परमात्मा दी ओ खोज ही करदे रहिंदे ने, ओ सदा ही परमात्मा दे पाणी विच मगन रहिंदे ने, ओ परमात्मा दे नाम दा जाप ही करदे रहिंदे ने। हे प्राणी सदा परमात्मा दा सिमरन करदा रह, सिमरन दी बरकत नाल बड़ी ही हैरान करन वाली आश्चर्य जिहड़ी आत्मक अवस्था तेरी बन जावेगी, तू सब तो उच्ची आत्मक अवस्था प्राप्त कर लवेगा। लेकिन यह कदों होवेगा, जदों तू दृढ़ विश्वास उस मालिक ते करन लग पवेगा जो तेरे नाल हुंदा है। ये तेनू समझ आ जावे कि परमात्मा दे हुक्म विच है, बिसमन बिसम भये बिसमादा परम गत पावै हर सिमर प्राणी। ओयो परम गति नू प्राप्त करदे हन, ओयो इस संसार नू जित के ते परमात्मा दे विच लीन हो जांदे हन जिहड़े परमात्मा दे हुक्म विच रह के परमात्मा दे हुक्म दी पालना करदे हन। रहाओ गान मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सागल उपाव ना चाले संग, पाव जल तरिये प्रभ के रंग। गुरु पातशाह ने इत्थे स्पष्ट कर दिता, भाई गान मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सागल उपाव ना चाले संग, पाव जल तरिये प्रभ के रंग। गुरु पातशाह जी इत्थे सानू स्पष्ट करके समझा रहे हे संत जनों, सारे गहो नाल चंगी तरह विचार के वेख लवो, परमात्मा दे नाम तो बिना होर कोई भी संसार समुंदर तो पार नहीं लगा सकता। एक परमात्मा दा ही नाम है जेड़ा इस भव सागर संसार तो सानू पार लंघा सकता है। बाकी साध संग जो असी जिन्ने मर्जी दर ते घूमदे रहिए, साडा ओ सारा समा व्यर्थ जा रहा। जदों गुरसिख गुरु वाला बन जाता है ते साध संग जो उस दे लई इस संसार सुरग दी न्याई बन जाता है ते उसका जीवन सुरग बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसनू गुरु प्राप्त हो गया ते साध संग जो ओ हमेशा ही परमात्मा दे रंग विच रंगिया रहिंदा है, ओ हमेशा ही सुरगां विच आनंद प्राप्त करता है। ते ओ मनुख भी हन जिन्हां ने यह संसार ये अपना जीवन अपने आप लई नरक बना लिया। गुरु तो बेमुख होए प्राणी ओ नरक संसार विच भोगदे हन, ते जिहड़े गुरु वाले बन जाते हैं दसवें पातशाह दा खंडे बाटे दी पौल प्राप्त कर लेंदे हन, ते साध संगत जो ओ हमेशा ही परमात्मा नू पाउंदे हन ते ओ परमात्मा नू चंगे लगदे हन। नाम तो बिना होर सारी ही हिले मनुख दे नाल नहीं जांदे, ये हकीकत है। परमात्मा दा नाम ही है हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उदरियो गन का हूँ गत पाई। हरि दे नाम ने गनका वर्गे अजामल वर्गे जेडे अत दा पाप करदे सन, लेकिन हरि दे नाम दा ओट आसरा लैण दे नाल ओ भी तर सकदे हन। ते साध संग जो असी गुरु वाले बन के परमात्मा दे नाम दा सिमरन करके क्यों इस भव सागर तो पार नहीं कर सकते? कर सकते हाँ जदों सानू सचमुच ही गुरु दे चरणा नाल साडा प्यार बन जावे, गुरु साडे ते जे मेहर दी बख्शिश नदर कर देण
प्रभु दे प्रेम रंग विच रह ही संसार समुंदर तो पार लंघिया जा सकता है। प्रभु दे प्रेम रंग विच रह के ही ये जिहड़ा संसार समुंदर है इस तो असी पार कर सकते हैं। लेकिन साध संगत जो जे किते असी दर दर ते भटकण लग गए तो साध संगत जो ये फिर साडा जिहड़ा जीवन है इस संसार समुंदर तो पार नहीं हो सकता, क्योंकि पातशाह ने इत्थे स्पष्ट कर दिता सगल उपाव ना चालै संग भवजल तरी है प्रभ कह रंग। जिन्हें मर्जी तू हिले कर लै सारे बेकारण जे परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा लै लिया परमात्मा दे नाम दा लड़ फड़ लिया ते फिर भवजल तरी है प्रभ कह रंग। गुरु पातशाह फरमान करदे ने भाई ये फिर संसार समुंदर तू पार कर सकता है। देही धोए ना उतरै मैल होमै व्यापै दुबदा फैल। गुरु पातशाह जी फरमान करदे ने देही धोए ना उतरै मैल होमै व्यापै दुबदा फैल। पातशाह जी दे बड़े अनमोल वचन हैं, तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ध्यान है। ते एक पासे गुरु पातशाह जी फरमान कर देन नावण चलै तीर्थी मन खोटै तन चोर, एक भौ लथी नातियां दोए भौ चढ़ियस होर। बाहर धोती तुमड़ी अंदर वैस निकोर, साध भले अननातियां चोर से चोरा चोर। पातशाह जी फरमान करदे ने भाई ये बाहरों तुमड़ी धोण दे नाल शरीर धोण दे नाल अंदर दी मैल नहीं लथ सकती जदों तिकर तू परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा नहीं लवेगा। जे अंदर दी मैल उतारनी है ना, अंदर दी मैल धोनी है ते फिर तैनू परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा लैना पवेगा। होमै व्यापै दुबदा फैल, नहीं ते अंदर दी मैल तेरी होमे दा रूप धारण कर लवेगी, फिर ये बददी जावेगी ये घट नहीं सकती। हर हर औखद जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए। गुरु पातशाह जी इत्थे सानू बख्शिश कर रहे हैं, हे संत जनों तीर्थ आदकां ते शरीर नूं धोतियां मन दी विकारां वाली मैल दूर नहीं हुंदी, सगों इहो होमै अपना दबाव पा लैंदी है कि मैं तीर्थां ते इसनान कर आया हाँ। मनुख दे अंदरों होर ते बाहरों होर होण दा पसारा पसर जांदा है, मनुख पाखंडी हो जांदा है। ये संत जनों जेड़ा मनुख परमात्मा दे नाम दी कमाई करदा है परमात्मा दे नाम नाल जुड़िया रहिंदा है उसका सारा मानसिक रोग जेड़ा है वह गुरु की कृपा दे नाल दूर हो जाता है। जेड़े जीव हरि परमात्मा दे नाम का सिमरन करते हैं पातशाह जी फरमान करते हैं हर हर औखद जो जन खाए, भाव जिन्ह ने हरि परमात्मा दे नाम दे दवाई खा ली होवे, जिन्हां ने परमात्मा दे नाम दा सिमरन अंदर शुरू कर दिता होवे तां का रोग सगल मिट जाए ते सारे रोग उन्हां दे खत्म हो जांदे हन। कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते काबू ना विसर गोपाल, तेरे दास की होवा तूर नानक की प्रभ सरदा पूर। पातशाह जी फरमान करदे ने कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कबू ना विसर गोपाल। ते अगली तुक विच गुरु पातशाह जी फरमान करदे ने तेरे दास की होवा तूर नानक की प्रभ सरदा पूर। हे पार ब्रह्म हे दया दे घर
मेरे उत्ते कृपा कर। हे गोपाल तू मेरे मन तो कदे भी ना विसर, एहो जी मेरे ते बख्शिश, एहो जी मेरे ते मेहर कर कि तू मेरे मन तो कदे भी विसर ना सके। हे प्रभु मैं तेरे दासां दी चरणा दी धूड़ हमेशा बनिया रवां। इहो अरदास गुरु अर्जन पातशाह जी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे नाम दी मोहर ला के समझा रहे न। इहो तांग इहो सरदा मेरी गुरु दे दर ते आ के पूरी हो सकती है कि मैं हमेशा ही भले पुरखां दा संग ते उना दी चरण धूड़ी ही बनिया रवां। हे मेरे मालक एहो जी मेरी अरदास नूं तू अपने दर ते प्रवान कर कि मैं कदे भी तेरे दर तो दूर ना होवां ते तेरे नाम ते तेरे दीदार मेरे मन विच ही होंदे रहन, तेरा नाम मेरे मन विच टिक जावे तां कि ये मेरा लोक ते परलोक दोने सोले हो जावन। ये ताइयों हो सकता है जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी चरणा कमलों का ओट आसरा लवांगे, गुरु की सरण विच आ के वाहिगुरु गुरमंत्र दे नाल जुड़न का यतन करांगे, बाणी अते बाणी नाल जुड़ांगे। दसवें पातशाह जी का जो सानू हुक्म है खंडे वाटे की पौल प्राप्त करके सिंह सजांगे तां साडा ये जिहड़ा जीवन है ये सफल हो सकता है, ताइयों असी इस जीवन नू जित सकते हैं। नहीं तो साध संगत जो जिन्ने मर्जी असी दुनिया के हिले कर लीए ये जीवन बिना सिमरन तो बिना गुरु तो नहीं जितया जा सकता। सो गुरु पातशाह जी साढ़े ते मेहर ते साढ़े ते बख्शिश करन, बाणी दियां विचारां करदियां अनेकां प्रकार दियां दासां पासों भुल्लां गलतियां हो जांदियां हन, गुरु अते गुरु दी संगत बख्शण योग है। सो साध संग जो किसे भी माई पाई दा कोई सुझाव होवे जो दास नाल सांझ करने चाहुंदे होवन ते दास दा इंडिया दा नंबर है जी 8750 10 63 75, आप जी इस नंबर ते दास नाल संपर्क कर सकते हो। सो बुलाओ जी फतेह, करो जी रसना नू पवित्र। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।